सेटिंग एजेंडाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा? एजेंडा का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, कि उन मैटर्स की सूची, उन मैटर्स की लिस्ट जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो हेडिंग है वो अगेन मीडिया से ही रिलेटेड है, कि जो मीडिया है वो एजेंडास को सेट करती है। सो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस दैट वन ऑफ द रीजन दैट मीडिया डज नॉट शो द बैलेंस्ड रिपोर्ट इज दैट समटाइम दे शो दैट साइड ऑफ द स्टोरी दैट दे थिंक विल अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स। ठीक है, तो वो वाली साइड दिखाते हैं कभी कभी जो उन्हें लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगी, तो इस वजह से वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं दिखाते। तो इसी तरीके से मीडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन। कि मीडिया जो है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि भाई हम व्यूअर्स को कुछ दिखाने वाले हैं तो भाई क्या दिखाएं, किन मुद्दों को उठाया जाए, किन स्टोरीज को कवर किया जाए, किन के प्रॉब्लम्स दिखाई जाए, किन की नहीं दिखाई जाए। तो ये सभी चीजें जो है वो मीडिया कवर करता है, राइट? तो मीडिया जो है वो डिसाइड करता है व्हाट इज न्यूज़वर्थी, कि क्या उन्हें दिखाना चाहिए लोगों को, क्या लोगों के फायदे में रहेगा और क्या हमारे फायदे में रहेगा, राइट? कि जो न्यूज हाउसेज हैं वो ये भी तो सोचते हैं कि भाई किस न्यूज को दिखाने में हमारा फायदा रहेगा, और कभी कभी वो लोग वो न्यूज भी दिखाते हैं जिनमें लोगों का फायदा हो, राइट? तो अगर हम इसी का एग्जाम्पल लें कि भाई किस तरीके से मीडिया जो है वो डिसाइड करता है किस चीज को स्टोरी में कवर करना है या नहीं करना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में एनुअल फेस्ट हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई बड़ा सा न्यूज चैनल आके तो मतलब आपके उसको कवर नहीं करेगा कि अच्छा इस स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, कोई नहीं करेगा कवर, राइट? बट अगर आपके एनुअल डे में कोई बहुत ही फेमस एक्टर आ रहा है ना, तब पॉसिबिलिटीज हैं कि जो मीडिया है वो आपके एनुअल डे को, एनुअल फंक्शन को कवर करे कि इस स्कूल में एनुअल फंक्शन में ये जो चीफ गेस्ट है वो फेमस एक्टर आ रहा है। तो देखा किस तरीके से मीडिया जो है वो डिसाइड करता है कि क्या उसे लोगों को दिखाना है और क्या नहीं। कि जब तक ये सिर्फ आपका एक नॉर्मल एनुअल फंक्शन था, तब तक मीडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन को दूसरे लोगों को दिखाए। बट जैसे ही उस एनुअल फंक्शन से एक फेमस एक्टर एसोसिएट हो गया कि उस एनुअल फंक्शन में एक फेमस एक्टर आएगा एज चीफ गेस्ट, तब जो मीडिया है वो भागी भागी आने लगी कि चलो इसको दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। तो बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट। तो किसी एक पर्टिकुलर इशू पर फोकस करके, किसी एक मुद्दे को उठाकर मीडिया जो है वो हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, राइट? हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। कि जैसा भी हम न्यूज में देखेंगे उसी तरीके से हम सोचेंगे, उसी तरीके से हम ये सोचेंगे कि भाई दुनिया इस तरीके की, अच्छा इस देश में ऐसा हो रहा है। और हमें ये लगता है कि हम न्यूज में जो भी मुद्दे देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? कि मान लो किसी जगह पे पीने के पानी की कमी हो रही है, कहीं पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है, एट द सेम टाइम, और कहीं पे ऐसा कोई फेमस एक्टर जो है वो चीफ गेस्ट बन के कहीं आ रहा है, तो न्यूज चैनल ने क्या चूज किया कि वो फेमस एक्टर वाली स्टोरी जो है वो लोगों को दिखाएंगे। तो जब हम ये देखेंगे कि भाई फेमस एक्टर कोई आ रहा है, हम वो सब चीजें देखेंगे, तो हमें वो पहलू नहीं पता चल पाएगा, हमें उन लोगों के बारे में नहीं पता चल पाएगा जो कि पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं, राइट? तो हमें लगेगा कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर ऐसी होती तो हमारे न्यूज चैनल वाले हमें दिखाते हैं। तो हम न्यूज चैनल्स पे बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं, राइट? और वो हमारे दिमाग को, हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अब क्योंकि मीडिया जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में निभाता है, हमारे विचारों को शेप देने के लिए और हमारे नजरिए को चेंज करने के लिए, न्यूज जो है, मीडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वजह से क्या कहा जाता है कि मीडिया सेट्स द एजेंडा, कि मीडिया जो है वो एजेंडा सेट करता है, मीडिया ये डिसाइड करता है कि भाई क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या इश्यूज जो है वो लोगों को दिखाने चाहिए। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मीडिया ने हमारा जो ध्यान है वो कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स के ओर आकर्षित किया था, कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि ये जो कोला ड्रिंक्स हैं इनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। और जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो उसके थ्रू उन्होंने हमें अवेयर किया और उन्होंने एक तरीके से हमें जागरूक किया कि हम अपने कोला ड्रिंक्स की जो कंजम्पशन है उस पर रोक करें, उसको ध्यान में रखें कि भाई हम इस तरीके के पीने की चीज, खाने की चीज ना खाएं जिनमें की इस तरीके से केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स जो है वो मिले हुए हैं। तो ये एक तरीके से बड़े ही अच्छा काम किया, बड़ा ही अच्छा इशू उठाया इन लोगों ने, कि जिससे लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, इन लोगों ने, जो मीडिया है उन्होंने ये मुद्दा उठाया।
कि हम पेस्टिसाइड्स वाली जो कोला ड्रिंक्स वगैरह हैं ये ना पिए और वही चीज़ें कंज्यूम करें जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, जो कि मतलब क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलास वर अनसेफ। तो जो न्यूज हाउसेस थे, जो मीडिया थी, तो यहाँ पे देखो मीडिया और न्यूज हाउसेस को अभी मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रही हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिया जो है वो एक बड़ी टर्म है और मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज नहीं होता है, राइट? बट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम मीडिया एंड न्यूज जो है वो इंटरचेंजेबली ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स न्यूज में ही ऐसी चीजें बताई जाती हैं। किसी टीवी सोप वाले जो चैनल है उसमें तो ऐसा नहीं दिखाया जाता कि भाई कोला ड्रिंक्स जो है वो सेफ नहीं है। बेसिकली ऐसे मुद्दे जो है वो न्यूज चैनल्स पे ही उठाए जाते हैं, बट न्यूज जो है वो मीडिया का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मीडिया है उसने ये जो कोला में पेस्टिसाइड वाला मुद्दा है ये फिर भी उठाया, मतलब कि जब गवर्नमेंट जो है इस चीज को रेजिस्ट कर रही थी, बोल रही थी कि भाई आप इस तरीके के मुद्दे जो है वो जनता के बीच में मत लाओ, एक तरीके से गवर्नमेंट मीडिया को इन मुद्दों को सामने लाने से रोक रही थी, बट फिर भी मीडिया ने क्या किया, बिना डरे हुए बोल्डली हिम्मत से कॉन्फिडेंस से ये जो मुद्दा है वो लोगों के सामने रखा और कहा कि जो कोला है वो अनसेफ है, वो पीने के लिए ठीक नहीं है। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ। तो इस मुद्दे को उठाकर मीडिया ने एक अच्छा काम किया, हमारी लाइफ को पॉजिटिवली मतलब कि सकारात्मक रूप से अफेक्ट किया, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था ये जो कि हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हम डेली इस तरीके की जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो कंज्यूम करते हैं और बहुत सारे ऐसे खाने खाते हैं जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अगर ऐसी चीजों को हमारे सामने कोई ला रहा है तो हम अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, राइट? बट कभी कभी क्या होता है कि मीडिया जो है वो हमारा ध्यान ऐसे मुद्दों पर केंद्रित करने से चूक हो जाती है, फेल हो जाती है जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि मीडिया जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दों को ना दिखाते हुए वो कम इम्पोर्टेंट इश्यूज को दिखाती है हमारे हमें। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, हमारे कंट्री में पीने के पानी की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ लोगों को मतलब बहुत दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक दिन में ट्रैवल करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, फिर पानी लाना पड़ता है। तो ड्रिंकिंग वाटर एक बड़ी प्रॉब्लम है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता। बट हमारी जो मीडिया है वो इस मुद्दे को बहुत मुश्किल ही डिस्कस करती है, राइट? कि वो दूसरे दूसरे मुद्दों को दिखाई जा रही है, बट इस तरीके के बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको वो बहुत कम दिखाती है, उनको नहीं दिखाती, एक तरीके से इग्नोर ही कर देती है। तो एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने हमारा जो ध्यान है एक चीज के तरफ केंद्रित किया, एक चीज की ओर आकर्षित किया। क्या चीज थी वो? कि किस तरीके से मीडिया जो है वो कम इम्पोर्टेंट चीजों को लोगों के सामने रखती है। तो एक हफ्ते में क्या था, एक हफ्ते में फैशन वीक चलने वाला था, एक फैशन वीक होने वाला था। मतलब फैशन वीक क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग क्लोथ डिजाइनर जो है वो अपने क्रिएशंस लोगों को दिखाते हैं, जो अमीर अमीर लोग हैं उनके सामने अपनी क्रिएशंस को इस तरीके से रखते हैं। आपने रैंप वॉक और ये फैशन वीक ये सब सुना होगा, आप इन सब के बारे में तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, राइट? तो इस तरीके से एक फैशन वीक होने वाला था और उस फैशन वीक ने सभी न्यूज पेपर्स की हेडलाइन बना ली, मतलब की लगभग हर न्यूज पेपर के फ्रंट पेज पे उस फैशन वीक के बारे में न्यूज थी, हेडलाइन थी। और वही उसी हफ्ते क्या था कि मुंबई में बहुत सारे स्लम्स जो है उन्हें डिमोलिश किया जा रहा था, बहुत सारी झुग्गी बस्तियां जो है उन्हें उजाड़ा जा रहा था। तो उस चीज के बारे में किसी ने नोटिस नहीं किया, उस चीज के बारे में किसी ने न्यूज नहीं बनाई। तो देखा किस तरीके से हमारी मीडिया जो है वो लेस इंपॉर्टेंट मुद्दों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, राइट? कि हमें क्या लेना देना कि भाई फैशन वीक में क्या हो रहा है, वैसे भी हम तो वैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अमीरों को पता होगा, वो अपना जाके देख लेंगे जो भी उनका फैशन वीक वगैरह होगा। बट हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि भाई इस देश में क्या हो रहा है, कि किस तरीके से किसी की झुग्गी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। अभी अगर इन दो मुद्दों में कंपेयर करें तो हमें वो झुग्गी बस्ती वाला कि स्लम को डिमोलिश किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है, कि वहां पे किसी के राइट्स का हनन ना हो, कहीं ये गलत तो नहीं। तो इस तरीके से ये वाला मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट मीडिया ने क्या किया, बट न्यूज पेपर्स ने क्या किया कि स्लम वाले मुद्दे को तो दिखाया ही नहीं और जो फैशन वीक वाला मुद्दा है वो हेडलाइंस बना रहा। तो इस तरीके से क्या लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके के जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं?
कि लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ फैशन वीक के बारे में पता चलेगा, लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहीं पे स्लम्स को भी डिमोलिश किया जा रहा है। इसलिए मीडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थॉट्स को शेप देने में। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आर लाइव्स बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट द इशूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक होने के नाते मीडिया जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक हमें वैसे काफी अच्छे से समझ आ चुका है कि किस तरीके से मीडिया हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश में वो किस तरीके से काम कर रही है, वो क्या पॉलिसीज ला रही है, वो क्या कदम उठा रही है, क्या उसके द्वारा किए हुए कदम जो है वो सही भी है। तो ये हम कैसे पता चलेगा, जब जो मीडिया है वो हमारे सामने सारी चीजें रखेगी, कोई इशू उठाएगी, उसके सारे पक्ष दिखाएगी, सारे पहलू दिखाएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है। तो इस तरीके से मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मीडिया जो है ये डिसाइड करती है कि भाई उसे क्या चीज लोगों को दिखानी है, किस चीज पे उसे फोकस करना है, और इस तरीके से वो एजेंडा सेट करती है। और सेंसरशिप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है मीडिया को रोक सकती है कुछ चीजों को पब्लिश करने के लिए कि भाई ये स्टोरी जो है आप मत दिखाइए, उसको रोक सकती है। तो इस चीज को हम कहते हैं सेंसरशिप, कि जब गवर्नमेंट जो है किसी को रोके कुछ करने से कि आप ये स्टोरी मत दिखाइए, आप ये मूवी मत दिखाइए, आप ये सीन मत दिखाइए, तब हम उसे सेंसरशिप कहते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, हमें पता है कि भाई मीडिया जो है उनके पीछे कौन है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस। इन मीडियाज को कौन चला रहा है, न्यूज चैनल्स को कौन चला रहा है, ज्यादातर बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस या पैसे वाले लोग हैं वो चला रहे हैं। इसका मतलब मीडिया का एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही गहरा नाता है बिजनेस हाउसेस के साथ। अब इसीलिए हम मीडिया से एक बैलेंस रिपोर्ट जो है वो बहुत ही मुश्किल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मीडिया है अब वो बिजनेस हाउसेस से जुड़ी हुई है, वो बिजनेस हाउसेस के फायदे वाली न्यूज दिखाएगी। अब क्योंकि वो एक ही पक्ष दिखाएगी, एक ही पहलू दिखाएगी, तो जो भी वो न्यूज दिखाएगी वो बैलेंस्ड नहीं होगी। और इसीलिए हमें एक जागरूक नागरिक बनना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन न्यूज रिपोर्ट में दिखाई जा रही है वो हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो, वो पूरी तरीके से ना हो, हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी का एक ही हिस्सा हो, राइट? कि कोई भी न्यूज में चीज दिखाई जा रही है आपको आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं कर लेना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि उस न्यूज में कहानी का सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा हो। और इसीलिए हमें क्या करना है, हमें न्यूज को एनालाइज करना है। और एनालाइज हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछकर, कुछ अपने दिमाग में कुछ सवाल पूछकर कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, कि ये जो न्यूज वाले मुझे रिपोर्ट दिखा रहे हैं आखिरकार इससे मुझे क्या पता चल रहा है, क्या मुझे सीखने के लिए मिल रहा है इससे, और कैसी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो मुझे पता है एग्जिस्ट करते हैं। मैं अपनी गली में देखता हूँ कि भाई गंदगी बहुत है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और इस तरीके के मुद्दे तो न्यूज चैनल पे नहीं दिखाए जा रहे। तो आप इस तरीके से सवाल पूछ सकते हो कि भाई क्या इंफॉर्मेशन है जो कि ये न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बींग रिटन, कि भाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को लिखा जा रहा है, मतलब कि इस स्टोरी के किस पहलू को दिखाया जा रहा है, किस पार्टी के पर्सपेक्टिव को इसमें दिखाया जा रहा है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, कि किसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका जो पक्ष है वो छोड़ दिया जा रहा है, उसे इग्नोर कर दिया जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, राइट? तो ये सब सवाल आपको पूछने हैं। और देखो बहुत सारे न्यूज चैनल होते हैं, है ना, कि जब हम न्यूज देखने बैठते हैं तो बहुत सारे न्यूज हम देखते हैं, और हर एक चैनल का जो है, अगर मैं आपको मतलब बेसिकली बताऊं कि हर एक चैनल जो है अलग अलग बिजनेस हाउसेस द्वारा चलाया जा रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने भी न्यूज चैनल है हमारे देश में उन्हें सब एक ही बिजनेस हाउस चला रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेम ही न्यूज को देखो, सेम टाइम पे सेम ही घटनाएं घट रही हैं, और सारी सारे जो न्यूज चैनल है वो एक ही टाइम पे इन घटनाओं को कवर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप सारे न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट देखो, है ना, ये लोग मतलब टाइम टू टाइम सेम मुद्दे को कवर करते रहते हैं। तो आपने पहले सेम न्यूज एक चैनल पे देखी, है ना, और वहां पे क्या होगा, वो आपको एक पक्ष दिखाएंगे, ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है आजकल कि वो एक ही पक्ष को दिखाते हैं। फिर आप दूसरे वाले न्यूज चैनल की न्यूज देखो सेम, कि इस न्यूज चैनल में जो सेम मुद्दा हुआ है, जो घटना घटी है, उसमें क्या चीज बताई जा रही है, आप पाओगे कि उसमें दूसरा ही मुद्दा दिखाया जा रहा है, उसमें दूसरे लोगों का पक्ष दिखाया जा रहा है, कि मान लो एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है ना, और ये न्यूज चैनल एक्स है और ये न्यूज चैनल वाई है। तो जब आप न्यूज चैनल एक्स देखोगे आपको पता चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी ए का पक्ष दिखा रहे हैं, ये सिर्फ पार्टी ए की बात कह रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप वाई वाला न्यूज चैनल खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो
दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टी का मुद्दा बता रहे हैं, है ना, फिर आप कोई तीसरा चैनल देखोगे, आपको उसमें कोई और बातें जानने के लिए मिलेंगी। तो जब आप इस तरीके से अलग अलग न्यूज चैनल देखोगे तो आपको ओवरऑल, मतलब आपको भाई घटना तो एक ही थी, उस घटना में ये दो लोग इन्वॉल्व थे, तो आपने क्या किया, जब आपने अलग अलग न्यूज चैनल देखे तो आपको दोनों पक्ष पता चल गए, है ना, कि कोई न्यूज चैनल इसके पक्ष को कवर कर रहा था, कोई इसके पक्ष को कवर कर रहा था, और आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली। अब आप डिसाइड करो कि भाई कौन सही कह रहा है कौन नहीं, है ना। तो इसलिए आपको अंधा होके एक ही न्यूज चैनल को भी फॉलो नहीं करना है, एक ही न्यूज पेपर को भी फॉलो नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई जो न्यूज रिपोर्ट है वो मतलब वो बायस्ड है, अनबैलेंस्ड है, तब आप क्या करो कि आप उसको दूसरे जो सोर्सेस हैं वहां से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो, ताकि आपको स्टोरी के पूरे जो पहलू हैं वो पता चल सके, राइट। और आपको ये सवाल तो पूछने ही है जो इसमें भी बताए हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जो न्यूज चैनल्स हैं वो ज्यादातर उन मुद्दों को दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि ज्यादातर लोग देखेंगे, या जो उनके फायदे वाले होते हैं वो ज्यादातर उन मुद्दों को दिखाते हैं, राइट। जैसे कि हमने एक फैशन वीक और जो स्लम डिमोलिशन है उसके बारे में पढ़ा था कि जो न्यूज चैनल्स हैं, जो न्यूज पेपर्स हैं, उन्होंने फैशन वीक वाली न्यूज को दिखाया बट स्लम डिमोलिशनमेंट को नहीं दिखाया। तो बहुत सारे जो लोकल लोग हैं उन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि देखो ऐसा हो रहा है कि जो आम लोग हैं उनकी लाइफ में कोई भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा है, कि ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, ये सिर्फ अमीरों के मुद्दे उठा रहे हैं, ये गरीबों के मुद्दे नहीं उठा रहे, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग दैट मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इशूज दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लाइफ, कि जब बहुत सारे लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया, ये महसूस किया कि जो मीडिया है वो छोटे छोटे इश्यूज को कवर करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है, जो कि आम लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो कुछ लोकल ग्रुप्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो मीडिया है वो स्टार्ट की, अपनी जो लोकल मीडिया है वो स्टार्ट उन्होंने की। कुछ लोगों ने कम्युनिटी रेडियो जो है वो स्टार्ट किया, उसको यूज किया ताकि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको अलग अलग क्रॉप्स के दामों के बारे में बता सकें कि भाई किस क्रॉप का क्या दाम चल रहा है, और उस हिसाब से वो अपनी फसल को तैयार कर सके और उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज के बारे में एडवाइस कर सके। तो मतलब किस तरीके से लोकल लेवल पर कुछ लोग आए, उन्होंने कदम उठाए, और ताकि जो आम जनता है, जो गांव के लोग हैं या जो ऐसी जनता है जिनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है, तो उन लोगों के मुद्दों को भी जनता के सामने लाया जा सके, इसलिए कुछ लोगों ने लोकल जो मीडिया है वो स्टार्ट की। और कुछ लोगों ने क्या किया कि बहुत ही जो सस्ते वीडियो कैमरास वगैरह मिलते हैं उनके मदद से आम लोगों की लाइफ जो है, जो पुअर कम्युनिटीज हैं, जो गरीब जनता है, उसके लाइफ के बारे में लोगों को दिखाया, उनके बारे में वीडियोस वगैरह बनाई, और कभी कभी कुछ लोगों ने इन लोगों को ही कैमरेज वगैरह प्रोवाइड कराए ताकि ये लोग अपनी लाइफ के बारे में दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसमें तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से छोटे छोटे कदम उठाए गए, कि भाई रेडियो की मदद ली गई और स्मॉल जो मूवीज हैं, शॉर्ट मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं, वो बनाई गई ताकि छोटे लोगों की, मतलब छोटे नहीं, मतलब कि जो और ऐसी जनता है जिसके बारे में लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे, तो उनके मुद्दों को भी लोगों के सामने लाया जा सके। और एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही खबर लहरिया, जो कि न्यूज़पेपर का है, कि क्या होता है कि जो नेशनल लेवल पे न्यूज़पेपर चल रहे हैं वो ज्यादातर छोटे, मतलब जो छोटे गांव से लोग आते हैं, जो कस्बों में रह रहे हैं, जो कम्युनिटीज इतनी ज्यादा जो है वेल ऑफ नहीं है, तो उन लोगों की बातों को नहीं दिखाते। तो क्या हुआ है कि बहुत सारे जगहों पे इस तरीके से लोकल न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए हैं जो कि उनके लोकल इश्यूज को जनता जनता के सामने लाए, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर खबर लहरिया का, जो कि एक फोर्टनाइटली है, मतलब कि हर 15 दिन में ये जो न्यूज़पेपर है वो निकलता है, और ये 8 दलित वुमेन द्वारा चलाया जाता है। खबर लहरिया जो न्यूज़पेपर है वो 8 दलित वुमेन द्वारा चलाया जाता है, और ये कहाँ की बात है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है उसकी 8 दलित वुमेन इस न्यूज़पेपर को चलाती हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर है ऐसे लोकल लैंग्वेज बुंदेली में लिखा जाता है, ये 8 पेज का न्यूज़पेपर है जिसमें कि दलित के इश्यूज बताए जाते हैं, औरतों द्वारा औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, पॉलिटिशियंस जो करप्शन कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, और ये जो न्यूज़पेपर है ये वो अलग अलग लोगों तक पहुंचता है, फार्मर, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, तो मतलब जो वहां के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके अलग अलग लोगों तक ये पहुंचता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे लोकल इनिशिएटिव लिए गए हैं लोगों ने, ताकि उन लोगों के मुद्दों को भी सामने लाया जा सके। नाउ सोशल एडवर्टाइजिंग, तो सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसीज द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, ये दिखाई जाती हैं, और इनमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज होता है सोसाइटी के लिए,
ठीक है, सोशल, क्योंकि सोशल हम नॉर्मली उस चीज के लिए यूज करते हैं कि जब हम जनता के लिए कोई काम कर रहे हो, राइट। तो सोशल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो कोई ऐसा मुद्दा है, वो ऐसे मुद्दे के बारे में कर रही है जिसका पूरी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, तो उस चीज से रिलेटेड ये लोगों को जागरूक करते हैं सोशल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक सोशल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जो मैंड एंड अनमैंड लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं, है ना, आपने ये रेलवे लाइन के आगे ऐसे देखा होगा, फाटक वगैरह कहते हैं इसे, तो ये आपने देखा होगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक सोशल एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स, ये जो रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स हैं, अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। की अलर्टनेस मतलब कि सजगता, या फिर मुस्तैदी कहें कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हैं, उसके बारे में ध्यान से सोचते हैं, तो अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी, कि अगर आपको सेफ रहना है तो आपको उसको लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को लेकर अलर्ट हैं तो आप सेफ रह सकते हैं। तो इसमें कैसे बताया जा रहा है कि अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी, वो क्यों है, कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जब यहाँ पे ट्रेन निकल रही होती है तो वो लोग इससे नीचे जाके, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे फाटक वगैरह लगी रहती है, फिर भी जैसे बाइक वगैरह वाले लोग हैं वो इसके नीचे से होकर आगे चले जाते हैं, और वो ट्रेन का ध्यान नहीं देते, और इस चक्कर में, जल्दी निकलने के चक्कर में, वो लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से गाइडलाइंस दी जा रही है कि स्लो डाउन योर व्हीकल, कि जब भी स्पीड ब्रेकर वगैरह आएगा, इस तरीके से ये लेवल क्रॉसिंग्स आएंगे, तब आप अपने व्हीकल को स्लो कर लो, सी ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ आपको देखना है, कोई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई अभी ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही। स्टॉप द व्हीकल वेल बिफोर द स्टॉप साइन, अगर कहीं पे स्टॉप साइन बना हुआ है, देखो आप यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है ये स्टॉप, तो जहां पे भी इस तरीके से आपको साइन दिखता है तो आप पहले ही रुक जाएं उस साइन को देखकर, एंड लिसन केयरफुली फॉर द साउंड और हॉर्न ऑफ एनी अप्रोचिंग ट्रेन, और आपको ध्यान से सुनना है कि कोई हॉर्न वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई ट्रेन आने तो नहीं वाली, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप तो जल्दीबाजी में निकल जाए और कोई ट्रेन आने वाली हो, तो इसलिए आपको इस तरीके से अलर्ट रहना है। कहीं पे भी आपको स्पीड ब्रेकर वगैरह दिख रहा है तो आपको इस तरीके से, अगर लेवल क्रॉसिंग है तो वहां पे अपनी गाड़ी रोक लेनी है, रुक जाना है, दोनों तरफ अगर आप आगे भी जाते हो, मतलब कि जब ये खुलेगी, ये कभी ना कभी खुलेगी, फिर भी आपको दोनों तरफ देखना है कि फिर भी कोई ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही, और ध्यान से सुनते रहना है कि किसी का हॉर्न वगैरह तो सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से सोशल एडवर्टाइजिंग की जाती है, गवर्नमेंट उन मुद्दों को लोगों के सामने लाती है जो कि उनके लिए जरूरी है, उनके सेफ्टी के लिए है। राइट, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7 सिविक्स, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो देन यू नेवर मिस एन अपडेट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।